ब्रिटिश पाकिस्तानी दूसरे शोबों के साथ साथ फनून लतीफा के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। उनके बनाए फनबारों को बरतानिया भर में पसंद किया जाता है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान निजाद आर्टिस्ट फराह हुसैन की मुसव्वरी की नुमाइश देखने वालों ने किया। तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ डार। पाकिस्तानी आर्टिस्ट फराह हुसैन की तस्वीर की नुमाइश चेल्सी एंड कंजेंटन लाइब्रेरी में हुई, जो एक हफ्ता तक जारी रही। नुमाइश का अफ्तिता मेयर काउंसलर एलिजाबेथ रूडल फोर्ड ने किया और उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि इन पेंटिंग्स में माशरे के हकीकी रंगों की अकासी की गई है। Interesting, and I can see that it is has evolved over quite a period of time. She's moved on, different thinking behind some of these things. फराह हुसैन के फनबारों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद लाइब्रेरी आई। उनका कहना था कि वो अपने काम को पाकिस्तान भी लेकर जाएंगी। पाकिस्तान में तो बहुत ही आर्ट है, ये हम जानते हैं कि आर्टिस्ट बहुत हैं पाकिस्तान में और गैलरीज भी बहुत हैं वहाँ पे। फरोज़न ने बताया कि वो अपनी पेंटिंग्स का सारा पैसा बच्चों की चैरिटीज को देती हैं। वो चैरिटीज जो हैं डिसएडवांटेज बच्चों को लेके प्रोजेक्ट चलाते हैं कि उनको सिखाएं, आर्ट सिखाएं या बाहर लेके जाएं ताकि उनकी जिंदगी में तकलीफें कम हो जाए। नमाज देखने वालों ने कहा कि फराह हुसैन ने इन तस्वीर में अपने अंदरूनी जज्बात का खूबसूरत अंदाज में इजहार किया है। And it's just bringing people into the library that ordinarily wouldn't come into the libraries. और ये वर्क इनकी जो क्रिएशन है, ये इनका खास तौर से ये कि इन्हीं देखा है कि जो इनके खुद के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किस तरह से आर्ट वर्क में डिपिक्ट कर रहे हैं ये लोग। इस नुमाइश में आना रहा कहना कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। आसिफ डार, जियो न्यूज, लंदन।